बात कांग्रेस की करना चाहता हूं आप लोगों से। इस कांग्रेस की सरकार राजेंद्र गुड्डा ने दो बार बनाई है। एक एमएलए का वोट 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से बनता है, 3 लाख से। मैंने 6-6 एमएलए दिए दो बार। और मेरे सुल्ताना के भाइयों, आपके बीच में खड़ा हो रहा हूं, मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था सरकार गिराने के टाइम में। 60 करोड़ रुपए देने के लिए मुझे तैयार दे रहे थे मुझे। मैंने कहा नहीं नहीं, बीजेपी के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू उपचुनाव को लेकर है। झुंझुनू उपचुनाव को लेकर चुनावी तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से आज एक वायरल हो रहा है, जो लाल डारी वाले नेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र गुंडा का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने बयान में कहा कि सरकार गिराने के लिए मुझे 60 करोड़ रुपये का दो बार ऑफर मिला है। इसमें कांग्रेस नेता और झुंझुनू सांसद बजेंद्र ओलार पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गिराने की भी साजिश की गई थी। यह बात सुल्ताना में चुनाव प्रचार के दौरान कही गई है। बता दूं कि झुंझुनू उपचुनाव में राजेंद्र गुड्डा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी सुनिए कि ऐसा क्या कहा वीडियो में, जो खूब वायरल हो रहा है। इकबाल रहा है, आपको बताना चाह रहा हूं, राजपूतों को मैंने कहा था कि शुभकरण आदमी ठीक नहीं है। और आप इस बीजेपी को छोड़ो, हमारी बीजेपी भैरू सिंह जी के साथ ही गई। राजपूत ने मेरी बात सुनी, सुल्ताना में भी सुनी। 150 से ज्यादा मैंने मीटिंग की थी और उसके बाद ये राजपूत, कभी पहली बार इस राजपूत ने आगे बढ़ के कांग्रेस को वोट दिया। विजेंद्र ओड़ा को नहीं जानते थे, न विजेंद्र ओड़ा ने तुमसे वोट मांगा, न इनसे मांगा। वोट तुम्हारा भी फ्री, इनका भी फ्री फ्री। अल्लाह जीतने के बाद तुम्हें धन्यवाद दिया, ना इनको धन्यवाद दिया, बस हो गया। सूता सूता जीतना है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यदि वो ईद बनो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गई थी, अपना गुर्दा निकलवाने के लिए नहीं गई थी, और वो उसके बच्चे यतीम हो गए। आपको बताना चाह रहा हूं, घटना एक नहीं है, घटना एक नहीं है, हजार बात बता दूंगा। जहां अंगुली रखो वहीं दर्द है। इन्होंने सिर्फ दर्द के अलावा इस कौम को कुछ भी नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी सुल्ताना की सरजमी पर यह बता दो कि इस ओड़ा परिवार ने एक आदमी के जीवन के अंदर बदलाव लाया हो, एक आदमी का जीवन ऊपर उठाया हो, तो उसका मेहरबानी करके नाम बता दो। एक भी आदमी नहीं है, ये मोहन सिंह सोलाना अरबपति बन गया। ये राज के बाढ़ के सारा धूप डेपड़ धूप सिर्फ ठाटे की बढ़ी है, गरीबा की कोई की गोल बढ़ी। एक भी गरीब की ताकत आपसे ली और आप लोगों को क्या दिया? धोखा। मुसलमान को सिर्फ धोखा दिया। बात कांग्रेस की करना चाहता हूं आप लोगों से। इस कांग्रेस की सरकार राजेंद्र गुड्डा ने दो बार बनाई है। एक एमएलए का वोट 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से बनता है, 3 लाख से। मैंने 6-6 एमएलए दिए दो बार। और मेरे सुल्ताना के भाइयों, आपके बीच में खड़ा हो रहा हूं, मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था सरकार गिराने के टाइम में। 60 करोड़ रुपए देने के लिए मुझे तैयार दे रहे थे मुझे। मैंने कहा नहीं नहीं, बीजेपी के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करेंगे। कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी सरकारों को गिरा दिया था विजेंद्र ओड़ो। 19 आदमी के साथ जाके नरेंद्र मोदी कर अमित शाह के बीच में बैठ कर भाजपा की सरकार बनाबाम हो सरकार ने घेर के। तो 2-3 एमएलए डीडवाड़ा का चेतन दूटी, दानिश अबरार सवाई माधोपुर का, रोहित बोरा राजा खेड़ा का 3 एमएलए बैठासू भाग रागा लियो तो फूल में बड़को हो। तो फूल के मायने बड़को हो।
मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अयूब खान कैप्टन अयूब खान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उनके हाथ में कांग्रेस का निशान था, कांग्रेस से लड़ रहे थे, शीशराम जी ओड़ा बनगा तिवाड़ी, और शीशराम जी ने भाषण दिया था, बोले ये हाथ शैतान का हाथ है, और बाद में आप लोगों ने उसको शैतान का मान लिया और उस अयूब खान को आपने हराया, अपने भाई को हराया, कांग्रेस को हराया, मुसलमान को हराया, और उसके बाद शीशराम ओड़ा को जिताया, और शीशराम ओड़ा दूसरी बार कांग्रेस का हाथ लाके कह रहा है नबी का हाथ है, पैगंबर का हाथ है, वही हाथ। तो आपके आप इब्राहिम जी कह रहे थे कि पैगंबर साहब ने कहा कि मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा नेता तो दोनों की दोनों बीमारी है, उसमें तो ये दोनों।